पुलिस थाने में 10 अप्रैल को एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें एक लड़की और लड़की की सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती हुई थी। लेकिन कुछ दिनों बाद लड़का उस लड़की को पैसों के लिए फोन कर धमकी देने लगा। इस मामले की शिकायत लड़की ने कलमना पुलिस थाने में की है। इस पर पुलिस उपायुक्त मनीष कलवानिया ने युवाओं को सोशल मीडिया पर अज्ञात लोगों से दोस्ती करने से पहले उनका बैकग्राउंड एवं आइडेंटिटी की जांच करने की सलाह दी है। कल हमको एक माहिती मिली थी कि एक 14 साल की लड़की है, उसके साथ में एक लड़का है, उसने कुछ दुष्कर्म किया है। ये माहिती मिलने पर हमने त्वरित पुलिस स्टेशन की टीम रवाना की गई और जो आरोपी है उसको रात में ही ताबे में लिया गया था। उसके साथ पूछताछ की गई। पूछताछ करने पे सामने आया कि वो लड़की के साथ में पिछले कुछ दिनों से ये लड़के के संबंध थे और उसके बाद में ये लड़के ने उसके साथ में दुष्कर्म किया है, ऐसा प्राथमिक माहिती है। इसके आगे इन्वेस्टिगेशन चालू है, आरोपी हमारे ताबे में है और आगे की पूछताछ चालू है। और डेफिनेटली अगर कोई बच्ची जो 18 साल की कम की बच्ची है या उसके ऊपर की भी कोई लड़की है जो परेशान है या किसी कारण से घर में बात नहीं कर रही है या ज़्यादा समय दोस्तों के यहाँ बिता रही है, ऐसा कुछ अनयूजुअल चीज़ें अगर कुछ कर रही है तो उसके पेरेंट्स को इमीडिएटली उसके साथ बात करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो पुलिस स्टेशन आना चाहिए उन्हें। हमारे काउंसलर्स रहते हैं, हमारी महिला पुलिस रहती है, महिला अधिकारी रहती है, वो उनके साथ में बात करके उनका काउंसलिंग कर सकती है और उनको जो कुछ अड़चन है वो दूर की जा सकती है। तो ऐसा कुछ भी अगर अनयूजुअल दिखे तो प्लीज़ आप हमको कॉन्टेक्ट कीजिए। Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।